पीएम मोदी का पंच प्रणाम क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यूपी के लिए ये खास क्यों है। देखिए पीएम मोदी के कार्यक्रम में डिजिटली सीएम जुड़ रहे हैं और जालौन के रामपुर में सम्मान समारोह शामिल होगा में शामिल होंगे सीएम योगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ग्राम प्रधान को सम्मानित किया जाएगा, ये बहुत खास है। यूपी के दो जिले हैं और 30 पंचायतें हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना है और इसी मद्देनजर निगाहें टिकी रहेंगी यूपी की और यूपी के लोगों की, जहां जालौन मिर्जापुर जिला पंचायत को दीनदयाल पुरस्कार मिलना है, ये अपने आप में गर्व का विषय है। इसके अलावा झांसी शामली मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कार मिलेगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा अयोध्या मथुरा कुशीनगर और रैया बस्ती का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है, ये भी एक बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। देखिए आगरा बरेली बस्ती सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, इसीलिए ये पंच प्रणाम जो है हमारे और हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। लोगों की निगाहें टिकी हैं कि किस तरीके से इन पंचायतों का मनोबल बढ़ेगा जब उन्हें वर्चुअली संबोधित भी करेंगे और उन्हें पुरस्कार भी देंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ सीएम मौजूद रहेंगे और किस तरीके की तैयारियां हैं पूरे प्रदेश में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी के पास डिटेल जानकारी है, जालौन में मौजूद हैं वो और उनसे हम सीधा जुड़ते हैं। तो किस तरीके की तैयारी है रतीश? देखिए बहुत सारी पंचायतों का मनोबल आज बढ़ने वाला है, उनके लिए बड़ा दिन होगा जब प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे, इनाम भी देंगे, पुरस्कार भी देंगे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज है और इस मौके पर आज उत्साहवर्धन का दिन ये कहा जा सकता है कि उत्साहवर्धन किया जाएगा। जालौन के ग्राम एरी रामपुरा में हम मौजूद हैं, आपको मंच दिखा दें। 11 बजे के आसपास यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहीं से वर्चुअली उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू से सीधे लाइव जुड़ेंगे और यहीं से उनके भाषण को सुना जाएगा। आज उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गाँव में जो विकास कार्य हो रहे हैं और गाँव का जो कायाकल्प हो रहा है उसकी बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, ग्रामीणों से ग्राम पंचायत के लोगों से संवाद करेंगे और साथ ही जो ग्राम पंचायत ने बेहतरीन काम किया है, अगर जालौन की बात की जाए तो कूरेपुर किनार और एरी रामपुरा ये दो ग्राम पंचायत हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है और इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको तैयारियां भी साथ साथ दिखाते जाएं कि तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो गौशाला एक गाँव में बनी हुई है, वहाँ पर भी निरीक्षण करना है और जालौन जनपद की समीक्षा करेंगे। लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम है चूँकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और गांव के कायाकल्प पे दोनों सरकारें यानी डबल इंजन की सरकारें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य रूप दिया गया है। भव्य आयोजन के रूप में आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो संवाद करेंगे गांव में किस तरह से विकास की गंगा को बहाया जाए, विकास की मयार लाई जाए और जो पंचायतें जिस ग्राम पंचायत में आज वो आ रहे हैं एरी रामपुरा में वहाँ पर किस तरह से विकास कार्य कराए गए और उसको पुरस्कृत करना पड़ा सरकार को, क्योंकि यहाँ पर जो योजनाएं लाई गई केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर योजनाओं का पालन कराया गया और उसके बाद इन गाँवों का इन ग्राम पंचायतों का कायाकल्प हुआ है और इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई अन्य ग्राम पंचायतें भी जिनको आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और यहां के जो ग्राम प्रधान हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और एक नसीहत भी देंगे कि किस तरह से जो योजनाएं होती हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारा जाए ताकि अन्य ग्राम पंचायतें भी बेहतर काम करें और पुरस्कार पाएं। जी